मैं विनोद चौधरी एक बार फिर से वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम एक्सरसाइज 10 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं मेन क्वेश्चन वो करते हैं। तो उन मेन क्वेश्चनों में कल अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया था, अब आगे जो क्वेश्चन है 10 एक्सरसाइज 10.2 का, वो क्वेश्चन नंबर है तीसरा और पांचवा क्वेश्चन, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो तीसरे में क्या सिद्ध करवा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में तीन माध्यिकाएं हैं एडी बीई और सीएफ। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि दो माध्यिकाओं का जो जोड़ है एडी प्लस बीई का जोड़ है वो बड़ा होगा 3/2 एबीसी। तो यहाँ पर दो माध्यिकाओं का जोड़ है वो एक भुजा एबी है, इसके 3/2 गुणे से बड़ा होगा, ये अपने को यहाँ पे सिद्ध करना है। तो पेपर में अगर पर्सन चेंज करके देता है तो कोई भी दो माध्यिकाओं का योग दे सकता है, जैसे तीन माध्यिका है तो तीनों में से कोई भी दो का योग दे सकता है। तो वो प्रोसेस अपने क्वेश्चन नंबर आगे पांच में काम में आएगा। तो अपन क्वेश्चन नंबर तीन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन के अंदर जो ये सिद्ध करना है इसको देखकर अपने को जो स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन की, तो सबसे पहले तो अपन इसमें दिया हुआ लिखेंगे। तो क्वेश्चन में आप लिख दोगे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है गिवन क्या है इसके अंदर कि ये सेम लाइन त्रिभुज एबीसी में तीन माध्यिकाएं एडी बी व सीएफ है वो जी पर प्रतिच्छेद करती है, यहां तक है वो दिया हुआ होता है। तो त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। थ्री मीडियम जे बी ए डी बी एंड सी एफ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट जी इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर जो तीनों मीडियम है वो पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट करती है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि ए डी प्लस बी ई का जो जोड़ है वो बड़ा होगा 3/2 ए बी सी। अब ये रिजल्ट लाने के लिए आपको ये रिलेशन ध्यान होना चाहिए, ये रिलेशन आप आंसर में नहीं लिखोगे, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो इनमें से आपने को कौन सा यूज में लेना है वो मैं बताऊंगा इस सिद्ध करने को देखकर। तो सिद्ध करने में एडी और बीई आ रहा है, तो एडी ये माध्यिका है, एडी और बीई ये माध्यिका है, तो इन दोनों माध्यिकाओं और एक भुजा आ रही है त्रिभुज की एबी, तो एबी ये भुजा है। तो देखिए एडी बीई और एबी इन तीनों से जो कॉमन त्रिभुज बनता है, इन तीनों भुजाओं का जिसमें पार्टवाइज यूज होता है उससे त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये एजीबी ये त्रिभुज बन रहा है। तो एजीबी त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज की वो प्रमेय यूज करेंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी अपन ग्रेटर देन वाला कंडीशन है वो सिद्ध कर सकते हैं। तो एजीबी त्रिभुज के अंदर, एजीबी त्रिभुज के अंदर वो विशेषता लगाएंगे कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है। तो अपन उपपत्ति के अंदर, उपपत्ति के अंदर कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एजीबी में इन ट्रायंगल एजीबी के अंदर कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इन ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड आर ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो इस प्रमेय के अकॉर्डिंग जो कि नाइन्थ क्लास में होती थी उसके अकॉर्डिंग यहां पे कौन सी दो भुजा लेने, देखो इधर ए बी आ रहा है राइट साइड में, तो ए बी को तो आपको जो दो भुजाएं ले रहे हो उसके अलावा अकेली भुजा लेना है। तो यहाँ ए जी और बी जी ये दो भुजाओं के जो अनुपात से अपन कौन से बना सकते हैं, ए जी से तो आप ए डी बना सकते हो और बी जी से आप बी ई बना सकते हो। तो ये तो अपने को कौन सी साइड में रखना होगा, लेफ्ट साइड में, यानी ए जी प्लस बी जी का जो जोड़ है वो किससे बड़ा है, ए बी से। तो यहाँ पर कंडीशन तो तीनों ही लगती है, बी ए बी का जोड़ और ए जी का जोड़ बी जी से भी बड़ा है। तो इस तरह तीनों कंडीशन में इस क्वेश्चन में कौन सी यूज करनी है आपको, देखो ए बी है वो लेस देन वाली साइड आ रहा है, छोटे की साइड आ रहा है, तो ए बी आपको लेस देन की तरफ रखना है, राइट साइड में रखना है। तो इसके अलावा बाकी दो भुजा कौन सी बच गई, एजी और बीजी, तो ये अपने को लेनी है लेफ्ट साइड में। अब आपको एजी से क्या मनाना है, एडी मनाना है, बीजी से क्या मनाना है, बीई मनाना है। तो यहां वाला जो इसको समीकरण नंबर एक दे दीजिए, तो एजी और एडी में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, वो अपन अनुपात यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए एजी और एडी में क्या अनुपात होता है, 2/3। तो ये आप यहां पे यूज कर दीजिए कि हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि एजी बटा एडी कितना है, 2/3। तो यहां से एजी का मान कितना आ गया, 2/3 एडी आ गया, समीकरण नंबर हो गई 2। इसी तरह से दूसरा बीई और कौन सा ये बीजी है, तो बीई और बीजी में भी कौन सा है, 2/3। तो बीजी बटा बीई भी कितना होता है, 2/3। तो यहां से बीजी का मान, अब समीकरण नंबर 2 में एजी का मान है, समीकरण नंबर 3 में बीजी का मान है, तो आप समीकरण नंबर 1 में जो ये मान है 2/3 से ये 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, तो समीकरण नंबर 2 में जो मान एजी का है, वो एजी का मान कितना है, 2/3 एडी, वो यहां रख दीजिए एजी की जगह, तो 2/3 एडी रख दिया। आगे प्लस बीजी है, तो बीजी का मान कितना है, 2/3 बीई है, 2/3 बीई है, ग्रेटर देन और इधर कौन है, एबी है। अब इन दोनों से 2/3 कॉमन आता है, तो 2/3 आप कॉमन ले लीजिए, तो एडी प्लस बीई और ये ग्रेटर देन किससे है, एबी से। अब दोनों साइड आप देखो, ये 2/3 हटाना है अपने को, तो दोनों साइड आप 3/2 से गुणा करोगे तभी हटेगा, अदरवाइज इस 2/3 को इस साइड लेके जाओगे तो गुणा में जाकर के 2/3 का इनवर्स हो जाएगा, 3/2। तो यह तो आप दोनों साइड 3/2 से गुणा कर दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि एडी प्लस बीई ये ग्रेटर देन है, आप 3/2 से गुणा करोगे ये तो कट जाएगा और इधर एबी का गुणा किससे हो जाएगा, 3/2 एबी से हो जाएगा। तो ये आपको यहां पे सिद्ध करना था, तो हमसे लोड। अब आगे जो पांचवे क्वेश्चन में है वो इतना क्वेश्चन तो सेम रहेगा, इस क्वेश्चन के बाद में अब देखिए अपन ने यहां पर तो एडी और बी का जो जोड़ है वो ट्रिक लगा ली कि ये दो माध्यिकाएं आ रही है तो उसके लिए ये त्रिभुज बन रहा है। अब आगे जो आपको पांचवे क्वेश्चन में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चीज आपको खुद को ध्यान होनी चाहिए भी, इसके अकॉर्डिंग आपके एजी और बीजी आपको लेना पड़ेगा, तो ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो ऐसा पांचवा क्वेश्चन करेंगे तो इतना क्वेश्चन तो सेम रहेगा, ये दिया हुआ सिद्ध करना चेंज हो जाएगा, जो पांचवे में दे रखा है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, उसके बाद उत्पत्ति का पूरा प्रोसेस यहां तक रहेगा और इसके अकॉर्डिंग अपन इसी प्रकार लिख करके आगे समीकरण बढ़ाएंगे। तो इसी से अपन आगे पांचवा क्वेश्चन सिद्ध करते हैं, तो पांचवे क्वेश्चन को आप देखिए। अब क्वेश्चन नंबर जो अपन पांचवा करेंगे, पांचवे क्वेश्चन में बस माध्यिका वाला सेम दिया हुआ है, ये सिद्ध करना चेंज हो गया, 4AD+B+CA बड़ा होगा 3 × AB+BC+AC। ये लैंग्वेज में भी कर सकता क्वेश्चन को कि एडी बी और सी क्या है, माध्यिकाएं, कि माध्यिकाओं के योग का 4 × भुजाओं के योग के 3 × से बड़ा होगा, ऐसे लैंग्वेज में भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर अपन ने 3 में प्रोसेस किया था वो पूरा का पूरा यहां तक अपन उसको सिद्ध कर देंगे, जो अपने सिद्ध किया था एडी प्लस बी का जो जोड़ है, एडी प्लस बी का जोड़ किससे बड़ा है, 3/2 AB तक। तो ये यहां तक अपन क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो सेम का सेम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद आगे पांचवें क्वेश्चन में अपने को ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए आप ये जो एडी और बी का जो जोड़ है वो 3/2 AB से बढ़ाया है, तो इसी के पैटर्न के आधार पर, यानी ये दो माध्यिकाओं का योग है और ये त्रिभुज के एक भुजा के 3/2 से बड़ा है, तो इसी के अनुसार आगे और कौन सी दो माध्यिकाओं का योग किस भुजा के 3/2 से बड़ा होगा, तो अपन ट्रिक लिख कैसे निकालेंगे, आगे आप लिख दोगे इसी प्रकार। तो यहां पर आप देखिए कि एडी और बीई, ये एडी और बीई था, तो ये दोनों माध्यिकाएं थी, तो इन दोनों माध्यिकाओं का जो ए से शुरू होती है बी से शुरू होती है, तो यहां पर अपन ने भुजा कौन सी ली, इधर ए बी। तो इसी तरह से आप अगर माध्यिका बीई और सी एफ लेते हो, तो बीई और सी एफ लेते हो तो कौन सा त्रिभुज बन रहा था, ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें कौन सी भुजा आती है, बी सी, तो वो 3/2 BC से बड़ा हो जाएगा। और आप अगर ए डी और सी एफ का जोड़ लेते हो, तो ए डी ए से शुरू हो रहा है, सी एफ सी से शुरू हो रहा है, तो कौन सी भुजा आ जाएगी, एसी के 3/2 से बड़ा हो जाएगा। तो वो दोनों रिजल्ट अपन इसी प्रकार लिखेंगे जैसे समीकरण नंबर 4 में अपन ने निकाला है, तो समीकरण नंबर 4 के अनुसार आप लिख दोगे इसी प्रकार। देखो एडी और बीई लिया था आपने, एडी और बी लिया था, तो अब ले लो आप बीई और सी एफ का जोड़, बीई प्लस सी एफ का जोड़ किससे बड़ा होगा, बीई और सी एफ का जोड़ ये बी से शुरू हो रही है, ये सी से शुरू हो रही है, तो त्रिभुज आप बी जी सी ले इस कंडीशन में, तो यहां पे क्या सिद्ध होगा, 3/2 भुजा कौन सी आ गई, बी सी। तो ये समीकरण नंबर हो गई 5। अब आगे
इस साइड वाला जो त्रिभुज है तो उसमें माध्यिका कौन सी होगी, AD और CF। तो AD और CF का जो जोड़ है वो किससे बड़ा होगा, 3/2। इधर कौन सी भुजा है त्रिभुज की, AC। तो इस समीकरण नंबर हो गई 6। अब यहां पे जो योग आ रहा है वो माध्यिकाओं का आ रहा है, तो माध्यिकाओं का जो योग है लेफ्ट साइड में अपने पास 4, 5 और 6 नंबर समीकरण में है। तो 4, 5 और 6 नंबर समीकरण को आप जोड़ोगे, क्योंकि राइट साइड में जो जोड़ आ रहा है वो AB, BC और AC का आ रहा है, तो तीनों भुजाओं का जोड़ आ रहा है। तो वो जोड़ कब होगा, जब आप समीकरण 4, 5 और 6 को जोड़ोगे। तो समीकरण 4, 5 और 6 को जोड़ने पर, तो इनको आप जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड में देखिए AD+BE, फिर BA+CF, फिर AD+CF, ये आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा AD+BE+BE+CF प्लस इसमें आ जाएगा AD+CF। आगे ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन के बाद में जो इस साइड राइट साइड में कौन है, 3/2 AB, 3/2 BC और 3/2 AC, तो इनका जोड़ हो जाएगा 3/2 AB+3/2 BC+3/2 AC, इनका जोड़ हो गया। अब लेफ्ट साइड के अंदर ये जो माध्यिकाएं हैं ये डबल है, तो AD यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये हो गया 2 AD, प्लस BE भी डबल है तो ये हो गया 2 BE, प्लस CF भी डबल है तो ये हो गया 2 CF, ग्रेटर देन। इन तीनों से 3/2 कॉमन आता है तो आपके पास बच गया AB+BC+AC। इन तीनों से कॉमन कौन आ रहा है, 2, तो 2 कॉमन ले लिया, तो AD+BE+CF और ग्रेटर देन, इधर सेम का सेम लिख देंगे, 3/2 AB+BC+AC, ये लिख दिया। अब अपने पास जो आंसर में आ रहा है वो इस साइड तो 4 आ रहा है, इस साइड 3 आ रहा है, तो यानी ये 2 हट रहा है, तो ये 2 को बटेगा, जब आप दोनों साइड 2 से गुणा कर दो, क्योंकि ये 2 का 4 बन रहा है यहाँ पे, तो दोनों साइड 2 का गुणा कर दो आप यहाँ पे, तो ये 2 2 से गुणा कर लेगा, तो कितना जाएगा ये 4 AD+BE+CF ग्रेटर देन, ये 2 से गुणा होते 2 हट गया, तो 3 AB+BC+AC, तो ये आपको सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूफ, तो ये क्वेश्चन नंबर था 5, जो कि तीसरे क्वेश्चन के जैसा ही है। तीसरे क्वेश्चन में इतना पार्ट सेम है, उसके बाद जो नया पार्ट है 5वें के लिए वो सिर्फ ही इतना पार्ट है, तो तीसरा और 5वां दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। अब एग्जाम के अंदर तीसरा क्वेश्चन वो चेंज होकर कौन सा पूछ सकता है आपको, ये पूछ सकता है कि AD+CF का जोड़ है 3/2 AC से सिद्ध करो, या BE+CF का जोड़ है वो 3/2 BC से सिद्ध करो, क्योंकि आपको दिया हुआ तो यही है सिर्फ AD और BE, तो इसी के पैटर्न पर ये दोनों जो रिजल्ट है बाकी दोनों दे सकते हैं। तो उसके लिए आप ये त्रिभुज लोगे, अगर ये पूछेगा तो ये ऊपर वाला त्रिभुज लोगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 त्रिभुज बनते हैं तो इन तीनों त्रिभुजों में से आपको कोई भी रिजल्ट सिद्ध करवा सकता है। तो जो सिद्ध करवा रहा है उसको देखकर अपने को इन तीनों त्रिभुजों में से एक त्रिभुज लेना है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर में भी पूछ सकता है। अगर तीसरा पूछता है क्वेश्चन नंबर तो तीसरा वो 3 नंबर में पूछेगा, अगर 5वां पूछता है तो ये 6 नंबर के लाइक क्वेश्चन है, 6 नंबर में मोस्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न वाले के। उदाहरण नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है कि त्रिभुज, उदाहरण नंबर 2 ये प्रश्न वाले 10.2 से पहले है कि त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ये 1 नंबर में भी पूछ सकता है क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था, और एक ये कि त्रिभुज की अगर 2 माध्यिकाएं बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो ये क्वेश्चन 1-1 नंबर में भी पूछ सकता है। और ये अगर क्वेश्चन जो उदाहरण नंबर 2 है ये 6 नंबर का बनता है, और उदाहरण नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का बनता है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि तीनों माध्यिकाएं बराबर है तो आप उसे समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सिद्ध करके बताओ। उदाहरण नंबर जो 3 है उसमें 2 माध्यिकाएं बराबर है, इन 2 मीडियन आर इक्वल, देन दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसको आपको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC की जो माध्यिकाएं हैं वो जी पर प्रतिच्छेद करती है, और AD, BE और CF तीनों बराबर है। अब सिद्ध क्या करना है कि AB के बराबर BC बराबर AC, यानी ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अदरवाइज आप लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हो त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। अब उत्पत्ति के अंदर प्रूफ में अपन क्या लिखेंगे कि जो आपको रिजल्ट दे रखा है वो लिखेंगे अपन सबसे पहले कि AD बराबर BE बराबर CF, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि तीनों माध्यिकाएं वो बराबर। अब इस रिजल्ट और जो आपको अनुपात ध्यान है कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो अनुपात है AG/AD कितना है, 2/3 है। तो अगर आप यहाँ AG का मान निकालते हो तो AD इधर गुणा में आ गया, तो 2/3 AD हो गया। इसी तरह जो नीचे वाला है
ये जी डी बटा ए डी, तो अगर यहाँ जी डी का मान निकालते हो आप तो ए डी यहाँ भाग से गुणा में चला गया, तो ए डी का एक बटा तीन गुणा कौन हो गया, जी डी हो गया। तो देखिए अगर आप दो बटा तीन को ए डी से गुणा करते हो तो ए जी आता है, और एक बटा तीन को अगर आप ए डी से गुणा करते हो तो जी डी आता है। इसी तरह इस बी जी और बी ई में अगर बी ई का गुणा दो बटा तीन से होता है तो बी जी आता है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक बार दो बटा तीन गुणा कर देते हैं, एक बार एक बटा तीन से गुणा कर देते हैं, जो आपको दिया हुआ है, जो तीनों माध्यम के बराबर है। इसको आप अगर दो बटा तीन से गुणा करो तीनों को तो ये बराबर रहेंगे, क्योंकि इन माध्यमों का दो बटा तीन गुणा भी बराबर होगा। अगर ये माध्यम के बराबर है तो ए डी का दो बटा तीन गुणा, दो बटा तीन गुणा बी ई का, और दो बटा तीन गुणा सी एफ का। ये क्यों लिखा है, क्योंकि आप ये अनुपात जानते हो, आप वो लाइन लिख दोगे कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को दो अनुपात एक में विभाजित करता है। तो ए डी का दो बट्टा तीन गुणा कोण बन जाएगा, ये ए जी बन गया। दो बट्टा तीन बी का कोण बन गया बी जी, और सी एफ का दो बट्टा तीन कोण बन गया सी जी बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग ए जी बराबर आ जाएगा बी जी बराबर आ जाएगा सी जी। तो ये समीकरण नंबर एक थी जो आपको दिया हुआ है, इसको अपन दो नंबर बना देते हैं। तो दो बट्टा तीन से गुणा किया तब ये आ गया मान। अब एक बटा तीन ए डी बी और सी एफ से गुणा करें तो आप समीकरण नंबर एक को एक बटा तीन से गुणा करोगे तो एक बटा तीन ए डी बी बराबर होगा एक बटा तीन बी ई के, और ये एक बटा तीन सी एफ के। अब एक बटा तीन कौन सा बनता है, इसका जी डी बनता है, इसका जी ई बनता है, और इसका जी एफ बनता है। तो इससे कौन सा आ जाएगा, ए डी का तो एक बटा तीन गुणा हो जाएगा जी डी, बराबर हो जाएगा जी ई, और बराबर हो जाएगा जी एफ। ये समीकरण नंबर हो गई तीन, यानी इनके ये जो अंश है ये भी बराबर आ गए। तो अपने पास जो बराबर आए हैं वो ये तीनों, ये बड़े वाले पार्ट जो दो अनुपात में होते हैं, और ये जो छोटे वाले पार्ट है जो एक एक अनुपात में होते हैं, तो ये तीनों आपस में बराबर आ गए। और ये कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये जी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब इन जो आपको ये प्रूफ के अंदर आपने लिखा है इसके अकॉर्डिंग अपने को इनकी भुजाएं बराबर करनी है। तो भुजाएं बराबर करने के लिए अपने देखो इनमें ये आमने सामने के तीन त्रिभुज बन रहे हैं, ये बन रहा है एक पैर, ये बन रहा है एक, इसका पैर बन रहा है एक, आमने सामने ये बन रहे हैं। तो यहाँ पे आमने सामने जो त्रिभुजों के तीन बन रहे हैं, तो इन तीन में से अपने को कोई से भी आप दो ले सकते हो और उससे संभव त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। अब अपन त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे ये आमने सामने वाले, ये जो मैं सिर्फ डॉट लगा रहा हूँ दोनों में आमने सामने, ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये त्रिभुज का नाम क्या है, ए जी एफ लेते हो। तो देखो आपको सर्वांशम करने त्रिभुजों को, तो सर्वांशम के अकॉर्डिंग इनके संगत भाग लेने पड़ेंगे। तो ए जी, अब पहले वाले का नाम तो त्रिभुज का कैसे भी ले सकते हो, लेकिन दूसरे त्रिभुज का जब नाम लिखोगे तो पहले के अनुसार लिखोगे। तो यहाँ त्रिभुज ए जी एफ ले लिया आपने पहले त्रिभुज को, त्रिभुज ए जी एफ व त्रिभुज, देखो ए जी के बराबर इस त्रिभुज में कौन सा भाग है, ये सी जी बराबर है, इधर से कौन हो जाएगा सी जी, और ये पॉइंट डी, तो त्रिभुज हो जाएगा सी जी डी के अंदर। अब कौन कौन से भुजाएं बराबर है, देखो ए जी के बराबर सी जी है, ये दिया हुआ है, ए जी के बराबर जो अपन ने सी जी निकाला है, ए जी और सी जी कौन सी समीकरण में बराबर है, दो नंबर में अपन ने किया हुआ है, तो ये समीकरण दो से बराबर है, तो ये समीकरण नंबर दो से। अब दो देखो जी एफ किसके बराबर, जी डी के बराबर है, जी एफ और जी डी ये कौन सी समीकरण से है, तीन नंबर से है। तो इसका कौन सा पार्ट है, ये एफ बराबर है जी डी की, ये समीकरण नंबर है तीन से। अब इन दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण बनते हैं, ये बनते हैं इनके सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो कौन सा है, ए जी एफ। तो इसका एंगल हो गया ए जी एफ किसके इक्वल है, एंगल सी जी डी के, ये सी जी और डी, ये आमने सामने के एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर अपन ने ये जो दो त्रिभुज लिए थे, इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और इनका जो ये बीच का कोण है, तो कौन सा नियम लग जाएगा, ये दो भुजाओं उसी के बीच का कोण है, तो एएस रूल से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांशम। तो त्रिभुज ए जी एफ सर्वांशम हो गया त्रिभुज सी जी डी के, कौन से रूल से, एस ए एस रूल से हुआ है सर्वांशम, एस ए सर्वांशम का नियम से हो गया है। तो बाय सीपी सीपी सीटी, इसका मतलब होता है कि सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग है वो बराबर होते हैं, तो लैंग्वेज लिख दो अदरवाइज सीपी सीटी, और समरूप में लिख दो कि बाय सीपी एसटी रूल से, एसटी का मतलब सिमिलर और सीटी का मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब अपने को यहां पे कौन सा पार्ट लेना है इसका, देखो ये सर्वांशम हो गए हैं, तो ए
एफ और सी डी ये दोनों पार्ट इसके बराबर होंगे, तो ए एफ के पार्ट हो गया सी डी, ए एफ ये पार्ट है और सी डी ये पार्ट है, तो ये दोनों पार्ट बराबर हो गए हैं। अगर ये ए डी माध्यिका है तो डी मध्य बिंदु है, इसका मतलब सी डी का डबल कोण होगा बी सी होगा और एफ मध्य बिंदु होगा क्योंकि सी एफ माध्यिका है, तो ए एफ का डबल कोण होगा ए बी होगा। तो अगर आप इन दोनों को दो से गुणा कर दो तो भी ये बराबर रहेंगे, दो ए एफ किसके बराबर रहेगा दो सी डी के, तो ए एफ का डबल कोण हो गया ए बी हो गया और सी डी का डबल कोण हो गया बी सी हो गया, तो ए बी के बराबर आ गया बी सी, ये समीकरण नंबर होगी चार। अब आप इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लोगे, देखो ये दोनों अपन ने ये दोनों लिए थे, तो अब आप ये दोनों ले लो त्रिभुज जो मैंने राइट का साइन किया है, त्रिभुज बी जी एफ, तो इधर से कौन हो जाएगा सी जी ई में, तो आप इसी प्रकार भी लिख सकते हो, अदरवाइज अपन इसको पूरा लिख देंगे कि कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज बी जी एफ वह त्रिभुज और इसके सामने वाले का नाम क्या है सी जी ई, त्रिभुज सी जी ई में, तो ये तीन तीन के पेर बनते हैं, यहाँ पे ये पेर बना है, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो दूसरी बार आप ये आमने सामने वाला ले सकते हो, अदरवाइज ये ले सकते हो, तो मैं अभी ये आमने सामने वाला ले रहा हूं, तो आमने सामने वाले में बी जी एफ और सी जी ई ये दोनों त्रिभुज है, तो इसी में बी जी के बराबर कौन है सी जी है, बी जी के बराबर सी जी है, देखो यहाँ पे बी जी के बराबर सी जी समीकरण नंबर दो में है, ये बी जी और सी जी समीकरण नंबर दो में है, तो बी जी के बराबर है सी जी है, ये समीकरण नंबर दो से है, और जी एफ के बराबर कौन है जी एफ के बराबर है जी ई, ये समीकरण नंबर किस में है तीन में, समीकरण नंबर तीन में है जी एफ के बराबर जी ई, और इनके समूह कौन कौन से हैं, शीर्षाभिमुख जो कोण है वो बी जी एफ कोण बी जी एफ किसके बराबर है कोण सी जी ई के, ये दोनों कोण है वो आमने सामने के कोण है, तो ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण, तो त्रिभुज बी जी एफ सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी जी ई के, ये सेम इसी रूल से ये हो गया एस ए एस रूल से। अब इनके सर्वांगसम होने से कौन से भाग बराबर हो गए, ये बी एफ और ये सी ई, तो ये बाई सी पी सी टी से कौन कौन से भाग बराबर हो गए, बी एफ के बराबर हो गया ये सी ई, बी एफ तो ये वाला पार्ट बी एफ के बराबर कौन हो गया ये सी ई। अब ये माध्यिका थी तो एफ मध्य बिंदु है, तो पहले वाले जो समीकरण बनाई थी चार नंबर, तो इसमें अपन ने दो से गुणा किया था, तो इसी प्रोसेस से यहाँ बी एफ का डबल और इधर सी ई का डबल ये दोनों भी बराबर होंगे, तो बी एफ का डबल क्यों लिखा है, क्योंकि बी एफ का डबल कौन होगा ए बी होगा, क्योंकि ये माध्यिका थी, तो ए बी के बराबर कौन हो जाएगा कि सी एफ, ये सी ई का डबल कौन है ए सी है, तो ये आ गया ए सी, तो ये समीकरण नंबर अपने पास चार थी और यहाँ पे बन गई ये समीकरण नंबर पांच। अब समीकरण नंबर चार में तो ए बी के बराबर बी सी है, समीकरण नंबर पांच में ए बी के बराबर कौन है ए सी, तो समीकरण नंबर चार व पांच से ए बी के बराबर बी सी या ए बी के बराबर ए सी, तो ये तीनों ही आपस में बराबर हो गए, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो ये तीनों अगर भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं है, तो इससे क्या रिजल्ट आ गया कि त्रिभुज ए बी सी है वो समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो छह नंबर के लायक बनता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर जो आगे वाला है उदाहरण नंबर जो तीन है, तो उदाहरण नंबर तीन में आपको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल सिद्ध करना है, तो उसमें आप कोई सी भी दो भुजाएं सिद्ध कर सकते हो, ए बी के बराबर ए सी सिद्ध कर सकते हो, ए बी के बराबर बी सी सिद्ध कर सकते हो, तो अपन ने जो ये उदाहरण नंबर दो किया था, तो इसी क्वेश्चन को अपने करेक्शन करते हुए उदाहरण नंबर जो तीन था उसका आंसर निकालते हैं, तो कौन सा दो भुजाएं लेते हैं अपन, देखो आपको इसमें माध्यिकाएं ये तीनों बराबर दी हुई है, तो यहां पर अपन करेक्शन क्या करेंगे कि कौन सी दो माध्यिका ले लेते हैं, ये ले लेते हैं बी ई और सी एफ, इससे आसान हो जाएगा, ये दो माध्यिका ले लिया आपने, बी के बराबर कौन सा हो गया सी एफ। अब आपको त्रिभुज कौन सा सिद्ध करना है, जब आप बी ई और सी एफ ये माध्यिका लेते हो तो ये दोनों बराबर के बराबर ए सी, यानी त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी कौन सा होगा समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। अब इसमें आपने माध्यिका ली है
BE के बराबर CF लिया है, ये दोनों मात्रिकाएं लीजिएगा BE और CF, तो ये AD को मैंने हटा दिया, तो यहाँ से भी AD को हटा देना, तो ये रिजल्ट चलेगा सेम, इससे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये रिजल्ट हटने के बाद इसी तरह 1/3 से गुणा करोगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको, तो समीकरण नंबर 2 और 3 बन जाएगी। अब इसके अनुसार आपको ये वाला पार्ट नहीं लेना है, ये वाला पार्ट नहीं लेना है इतना, अब कौन सा त्रिभुज लेना है, ये वाला, क्योंकि आपने जो भाग लिया है ना ये BG और CG, ये दोनों आपने इन त्रिभुजों के लिए, तो ये त्रिभुज अब आपको यहां से शुरू करना है, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, तो ये वाला पार्ट आगे वाले उदाहरण के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ उदाहरण नंबर 2 के लिए था। तो आगे वाला ये पूरा सेम प्रोसेस, सेम का सेम, BGF और CG ये त्रिभुज में, तो ये यहां से चलते हुए और आपको ये समीकरण नंबर जो 3 थी उसके बाद ये समीकरण नंबर हो गई अपने पास 4, तो 4 से AB के बराबर कौन आ गया है AC, तो समीकरण नंबर 4 एक से रिजल्ट चाहिए अपने को, तो समीकरण नंबर 4 में ये AB के बराबर AC आ गया है, तो AB के बराबर ये AC रिजल्ट क्या बता देगा कि त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो समीकरण नंबर जो 4 का यूज वो अपन ने यहाँ पे लिखवा था, वो 4 नंबर ये बन जाएगी, और एक ही समीकरण से आपको यहाँ संभव त्रिभुज सिद्ध हो गया है। तो ये जो उदाहरण नंबर 2 था तो उसी को अपन ने थोड़ा थोड़ा इरेज करते हुए उदाहरण नंबर 3 बना दिया, तो उसमें आप कौन सा त्रिभुज ले हो, इन दोनों त्रिभुजों को लेने में आसानी रहेगी, आमने सामने वाले जो 2 त्रिभुज है ना इन दोनों त्रिभुजों में, और ये रिजल्ट अपना यहाँ पे लिखा हुआ था, तो आपको एग्जाम के अंदर जो अगर आपको उदाहरण नंबर 2 आता है तो आप उदाहरण नंबर 3 भी आराम से कर सकते हो। तो उदाहरण नंबर 2 और 3 ये एक जैसे से, दोनों जैसे, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन था, तो इसी तरह से उदाहरण नंबर 2 और 3 भी ऐसा क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थियों से एक ही निवेदन है कि जो बीकेसी मैथ सॉल्यूशन जो चैनल है उसको आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, उस पे जो भी वीडियो है अपलोड है उसको लाइक कीजिए, वो वीडियो को जब आप देख रहे हो तो उसको पूरा देख लीजिए, ऐसा नहीं स्किप कर करके देख रहे हो, तो जो आप क्वेश्चन मिलान कर रहे हो उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से मिलाइए, उसके लिए आप ईयरफोन और सामने आप फोन रख करके और उससे जो क्वेश्चन आप जो करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो राइटिंग के प्रोसेस करोगे साथ साथ, क्योंकि राइटिंग वाला जब आप काम नहीं करोगे तो आगे आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि 3 महीने हो गए आप राइटिंग का काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिलाते हो रफ कॉपी से वो थोड़े बहुत आप मिला लेते हो, तो अगर राइटिंग आप नहीं कर रहे हो साथ साथ में तो आपका पेपर आराम से छूटेगा, क्योंकि जब आप स्कूल टाइम के अंदर इतना होमवर्क वगैरह करते थे डेली आपका रूटीन था लिखने का, अब वो रूटीन है वो 2-3 महीनों से बिल्कुल बंद है, तो अभी आपके पास ये टाइम है 20 सेकंड का, इस टाइम में आप जो भी क्वेश्चन है, तो आज मैं हिंदी मीडियम के लिए 9 सेट है 30-30 क्वेश्चनों के वो अपलोड कर दूंगा PDF फाइल, और उस PDF फाइल के जो फंक्शन है वो सारे इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे 5-5 प्रश्नावली बनाए हुए हैं, और लास्ट के जो 3 सेट है वो पूरी जैसे बुक के बनाए हुए, तो उन क्वेश्चनों को आप शॉर्ट के अंदर जैसे उसमें हेडिंग वगैरह का कम लिखते हुए आप उन क्वेश्चनों को टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 2 घंटे में करने की कोशिश कीजिए, तो बाकी जो आपकी उसमें राइटिंग लिखने का काम है वो बाकी का 1.25 घंटा में लेगा उसमें जाएगा, उसको जो भी कैलकुलेशन है वो आप जो भी आप आंसर फाइनल आंसर निकालने तक का जो प्रोसेस है वो आप रफ कॉपी के अंदर राइटिंग का काम करते हुए उनका मिलाइए, तो वो 10 या 9 सेट है, तो मोस्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप चाहिए जब आपने उनका पैसे मिला दिए, उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट अपना देखने के लिए उस सेट्स जो मैं अपलोड करूंगा उनको आप देख करके, और वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो वो आप मिलाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन पिछले साल के जो पेपरों के अकॉर्डिंग है वो रिवॉर्ड बनाए हैं, तो वो क्वेश्चन 9 सेट है उनको आप अच्छी तरह से मिलान कीजिए, और उनमें से जो भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आती है तो वो आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, और लिंक वगैरह आपको दिए हुए हैं फेसबुक इंस्टा सब के, तो उन क्वेश्चनों को आप देख करके आसानी से आप कर सकते हैं, तो धन्यवाद। आगे जो अपन प्रोसेस करेंगे वो प्रश्नावली जो आगे अपनी 10वीं की जो उम्मीद है उसके कुछ एक क्वेश्चन है, और उसके बाद अपन 11वीं प्रश्नावली शुरू करेंगे, और फिर 12वीं और 13वीं प्रश्नावली शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।